शीघ्र पतन के लिए स्त्री की क्या रिएक्शन होती है, तो उसके बारे में बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केलकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जल्दी डिस्चार्ज जब हो जाता है कोई पुरुष को, पार्टनर को, और जल्दी डिस्चार्ज इसका मतलब कि एक मिनट के पहले डिस्चार्ज हो जाना, शीघ्र पतन हो जाना, शीघ्र वीर्य पतन हो जाना, और ऑर्गेजम आने के पहले ही आदमी अलग हो जाना, उसने सेक्स खत्म कर लेना, मतलब स्त्री का ऑर्गेजम होने का ही, स्त्री को अंतिम चरम सीमा पे पहुंचने का ही है, उसके पहले ही इसका वीर्य निकल गया है और ये अलग हो गया है, तो फिर स्त्री की रिएक्शन क्या होती है हम देखने वाले। एक तो क्या है कि स्त्री को बहुत गुस्सा आता है कि ये क्या कर लिया, उसको एकदम फिर पहले आश्चर्य हो जाता है, कह रहे ये क्या हो गया, ये तो अलग ही हो गया, ये तो एकदम ढीला ही पड़ गया, उस रहता कि मैं तो शुरू भी नहीं हुई, ये तो उसने ख़त्म भी कर लिया, ये है क्या प्रॉब्लम, तो उसको वो कुछ ब्लेम कर सकती है, दोष दे सकती है, गुस्सा आता है उसको। यदि उसने फोरप्ले नहीं किया होगा, और फोरप्ले करते ही नहीं है, क्यों फोरप्ले क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको डर लगता है ये आदमी को, ये पुरुष को, कि यदि मैं फोरप्ले करूंगा तो जल्दी निकल जाएगा, इसलिए उसका ये रहता है टेंडेंसी कि जल्दी सेक्स चालू करो, जल्दी गिर जाएगा, इसलिए तो फोरप्ले किया नहीं है, जल्दी सेक्स करना चालू किया, जल्दी डिस्चार्ज हो गया, औरत को लगता है कि मुझे वापर लिया, मेरा वापर कर लिया, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, मुझे मालूम भी नहीं पड़ा, उसके पहले ये अलग भी हो गया, कपड़े पहन लिए, सो भी गया, तो वो बहुत गुस्सा तड़फड़ करती है, गुस्सा करती है, और फिर अगले बार टाल देती है, अगले बार बोलती है मेरे को करना ही नहीं, क्योंकि आप आत्म केंद्रित हो, सेल्फिश है, खुद के ऊपर प्यार करते हो, मेरी कोई कदर ही नहीं, मेरे बारे में सोचती नहीं है, मुझे क्या लग रहा है पूछते भी नहीं है, मुझे कुछ मजा ही नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझने के पहले ही आप अलग हो जाते हैं, तो वो आत्म केंद्रित होती है, फिर टाल देती है, फिर झगड़ा झंझट करेगी, अगले बार जब आदमी बोलेगा करना है तो वो नहीं बोलेंगी, फिर वो अगले बार कुछ बहाना बनाना चालू करेंगी, और जब ये बार बार हो रहा है, उसका समाधान ही नहीं हो रहा है, और वो आदमी इलाज करने के लिए तैयार ही नहीं है, खुद इलाज करके देख रहा है, बाहर जाने को तैयार नहीं, शर्म आ रही है, बाहर कैसे बोलना है, तो फिर औरत खुद के भी संबंध, विवाह वाय संबंध कर सकती है। वो एक तो आदमी को ये करेंगे, ब्लेम करेंगे कि तुम्हारे बाहर होंगे इसलिए तुम घर में ऐसा कर रहे, या फिर खुद ही अपना सेटिस्फैक्शन बाहर कर सकती है, बाहर संबंध प्रस्थापित कर सकती है। तो ये अलग अलग उसकी रिएक्शंस हो सकती है पार्टनर की। बेटर ये है कि पार्टनर सेटिस्फाई नहीं है तो जल्द से जल्द सेक्सोलॉजिस्ट का इलाज करना चाहिए, और वो इलाज करेंगे तो जल्दी ही सेक्स लाइफ अच्छा हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।